Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the third interview of our panel. मतलब जो तीन मेरे बच्चे थे, जो मेरे तीन तुरुप केक के थे, उनमें से तीसरे नंबर पे ये, अगर आप इनकी शक्ल बहुत ध्यान से देखें तो मैं इनको राजकुमार राव से इनकी शक्ल बहुत मिलती है। ये बहुत शांत, बहुत बहुत शालीन और बहुत ही तमीज और बहुत ही एटीट्यूड, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत मेहनती और बहुत ही हम्बल, बहुत अच्छे परिवार से जो बच्चा होता है ना, बिल्कुल सिंपल फैमिली के। गलती से चीटी भी अगर मर गई तो दे विल नॉट स्लीप वेल इन द नाइट। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस बट ही इज दैट मच जेन्युइन। ये मेरा खरा सोना है बट जिसकी वैल्यू अभी और बढ़ेगी मुझे लगता है। टेंथ में ही डिड वेरी वेल। ही इज वन ऑफ दोस जिसके लिए मैथ में सॉल्व आना बड़ी बात नहीं है बट समवेयर डाउन द लाइन इनका लक इनके साथ अभी तक आया नहीं है पूरी तरह। द रब ऑफ द ग्रीन इज नॉट ऑन इन साइड। दो ही हैज स्कोर्ड 95 95 95 इन मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड ही हैज डन वेरी वेल। इन तीनों की टीम ने बहुत अच्छा किया है तो मैं वेलकम करूंगा हमारे हार्दिक जैन का। दर्शकों को नमस्कार बोलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। और देखो मैं इनका इतना खून चूसता हूं तो आप देख सकते हो बच्चा कितना पतला है और मैं कितना मोटा हूं। इस वीडियो को देख के मुझे ही शर्म आ रही है दैट आई शुड लूज अ लॉट। हार्दिक, यू हैव स्कोर्ड 95 बट आई नो यू यूज्ड टू स्कोर 100 इन एवरी ऑफ माई क्लास। क्लास में भी मैं बच्चों को इवैल्यूएट करता हूं। सो व्हाट आर द टिप्स टू डू वेल इन मैथ्स पर्टिकुलरली? प्रैक्टिस करो पहले तो। एनसीईआरटी आपकी मेन बुक है, एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। जब आपने एनसीईआरटी बहुत बार कर लो तब उसके बाद दूसरी बुक्स को करो, उनकी प्रैक्टिस करो, मगर एनसीईआरटी इज द मेन की। आप टेस्ट से पहले किसी और बुक को मत लो, एनसीईआरटी ही करो। और टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको ही सॉल्व करो, वही बेस्ट है। दैट इज वेरी नाइस। एनसीईआरटी में 1600 क्वेश्चन है भाई, 1600 क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। एग्जाम कब है? सपोज 200 दिन बाद भी अगर एग्जाम है तो आपको 8 क्वेश्चंस पर डे करने हैं अगर एनसीईआरटी एक बार करनी है, आपको 16 क्वेश्चंस पर डे करने हैं अगर आपको एनसीईआरटी दो बार करनी है। एंड बिलीव मी, वो बच्चे जो एनसीईआरटी ढंग से दो बार कर लेते हैं, बोर्ड्स तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। और रही बात जो भैया ने टेस्ट पेपर्स के बारे में बोला है, देखो सचिन तेंदुलकर जो थे ना वो मैदान में रन बनाते थे। अगर आपने उनकी जीवनी, उनका इंटरव्यू पढ़ा हो, वो नेट प्रैक्टिस से ज्यादा मैच प्रैक्टिस करते थे। ही यूज्ड टू प्ले 2 to 3 मैचेस पर डे क्योंकि इट इज द रन्स इन द मिडिल व्हिच मेक्स यू अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। द सेम गोज विद पढ़ाई कि मतलब जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स करो उतना ज्यादा अच्छा रहता है थोड़ा सा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई सीन योर मदर हैज डन सो मच फॉर यू, थोड़ा सा उनका स्ट्रगल के बारे में ऑन कैमरा कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी मदर मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, मतलब मैं उनके बहुत ज्यादा क्लोज हूँ तो सारी बातें उनसे शेयर करता हूँ जरूर। अगर मेरे को कोई बुक चाहिए होती है या फिर कभी मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा होता हूँ तो मैं अपने मदर के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। वो मेरे को अगर मेरे कभी कम भी मार्क्स आए हैं, जैसे प्री बोर्ड्स के अंदर अगर अच्छे नहीं आए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है मुझे। और मेरे फादर ने भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है। पापा से मैं मिला नहीं हूँ एक्चुअली में, फादर इज द वन हु रन्स द हाउस। मम्मी से मैं काफी बार मिला हूँ और इनकी मम्मी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब देती है एंड शी इज अ वेरी एनकरेजिंग लेडी। और दो जो जैसा भी होता है बट शी ऑलवेज लुक्स आउट फॉर सॉल्यूशन, शी डजंट लुक्स आउट फॉर प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फैमिली है। और कुछ टिप देना चाहोगे कहां बच्चों से गलती होती है जिस वजह से मार्क्स नहीं आ पाते? मेरा केस होगा तो मैं प्रेशर की वजह से, जब एग्जाम प्रेशर जो होता था मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा गलतियां करता था। टेंथ में भी और टेंथ से पहले भी मेरे मार्क्स अगर जाते थे तो सिर्फ प्रेशर की वजह से ही जाते थे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो एक तो आपको प्रेशर मेंटेन करना आ जाएगा कि 3 आवर्स के पेपर में आप कैसे अपने को मेंटेन करोगे अपना पूरा टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और आप प्रेशर भी नहीं कम फील करोगे जब आप एग्जाम के लिए जाओगे। खाने पीने में डाइट इनकी बिल्कुल वेजिटेरियन थी। मैं बहुत वेजिटेरियन डाइट के सपोर्ट में नहीं होता बट वेजिटेरियन डाइट इज ओके विद यू? या कभी कमजोरी तो नहीं होती थी? अभी तक तो नहीं हुई। नहीं हुई। और अपने स्कूल में किसी और टीचर को या किसी को भी अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हो सो दिस इज योर टाइम। सारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट था। अगर मेरे को जैसे कोई डाउट होते थे, अगर यहाँ पर क्लियर जैसे स्कूल के पेपर्स में होते थे तो वहाँ पर जाके मैं क्लियर कर लेता था। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को काफी सपोर्ट करते थे। नॉल सारे डाउट्स मैं कराता भी नहीं हूँ, मेरी आदत है, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाता हूँ, ये मेरे अंदर है ये कमी। और मैं मतलब जनरल एक वैसे परसेप्शन देना चाहूंगा, आगे क्या सोचा लाइफ में करियर को लेकर? अभी तो मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ भी उसके जेई की है मेनली, तो फोकस तो वही है जो टारगेट है। बेटा एक बात बताऊं, द ओनली थिंग जो मैं इनको भी कहना चाहूंगा, ये आज भी मेरे शिष्य हैं और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, वन थिंग, आपकी जेबें खाली हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके
घर में पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में आटा ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ना, जिंदगी भर हमें अपने आप को बेचना है इस दुनिया में, एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस इतना शाइन करेगा। आज इन तीन बच्चों का जो मैं इंटरव्यू एक एक करके मैंने लाइन अप कराया ना, आज से 2-3-4 साल बाद आज एक और इंटरव्यू इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आज प्लीज रिक्वेस्ट करने एक इंटरव्यू देने आ जाओ, देख लेना दे आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। और अगर इनकी छोटी छोटी बातों में, इनकी सरल सरल स्टेटमेंट्स में अगर आपको कोई गहराई दिखी हो तो प्लीज फॉलो देयर टिप्स एंड बिलीव मी। ऑफलाइन कोचिंग के लिए जुपिटर एजुकेशन प्लैनेट इज माय कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट इज योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेट्स मेक दिस जुपिटर फैमिली अ बिगर वन, अ ब्राइटर वन, एंड लेट्स एजुकेट, लेट्स एजुकेट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे भी, जो बच्चे पेरेंट्स, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।